हाय फ्रेंड, मैं हूँ निशा। आप देख रहे हैं निशा कुकिंग शो। आज मैं बनाने वाली हूँ शिमला मिर्च की सब्ज़ी। यह सब्ज़ी बनाना बहुत ही इजी है, इसे हम कम टाइम में भी जल्दी से बना सकते हैं। यह सब्ज़ी हम चावल पराठा किसी के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके लिए हम 3 बड़े शिमला मिर्च को लेकर उसे काट लेंगे और 2 टमाटर को लेकर उसे बारीक काट लेंगे, 2 प्याज को लेकर उसे बारीक चॉप कर लेंगे, 200 ग्राम आलू लेकर उसे धुल कर छील कर अच्छे से साफ करेंगे। उसके बाद एक कढ़ाई में 2 चम्मच हम तेल डालकर गर्म करेंगे। हम कोई सा भी तेल यूज़ करते हैं, रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। जब हमारा तेल गर्म हो जाए तो हम उसमें सबसे पहले आलू को डालेंगे। आलू को डालने के बाद उसे हल्का सा भूनेंगे। जब हमारा आलू हल्का सा भूरा होने लगेगा तब हम उसमें कटी हुई शिमला मिर्च को डालेंगे। आलू डालने के बाद उसे हम बराबर चलाएंगे। हमारा आलू हल्का सा पक जाएगा तब हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। शिमला मिर्च डालने के बाद हम लग करीब 2 से 3 मिनट तक शिमला मिर्च को अच्छे से भूनेंगे। हम अपने आँच को थोड़ा तेज़ी रखेंगे। आप देख सकते हैं आलू और शिमला मिर्च पक चुका है लगभग आधा आधा। पकने के बाद हम इसे निकाल लेंगे क्योंकि अब हम इसे ग्रेवी के साथ भी पकाएंगे। अब उसी कढ़ाई में बचे हुए तेल के साथ थोड़ा सा और तेल ऐड करेंगे। जब ये तेल हमारा पुनः गर्म हो जाएगा तब इसमें हम 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून राई डालेंगे। ले गया जीरा और राई दोनों हल्का सा तड़क जाएगा तब इसमें हम प्याज कटा हुआ डालेंगे। प्याज डालकर हम इसे भूनेंगे। प्याज को पूरी तरह से लाल नहीं करेंगे, बस इसे हम 80% तक लगभग पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें कटा हुआ टमाटर डालकर भूनेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे, उसे भी अच्छे से भूनेंगे। अब कटा हुआ टमाटर डालकर अच्छे से भूनेंगे। अगर आपका टमाटर कड़ा लगे तो आप इसमें थोड़ा सा नमक डालकर भून सकते हैं, जिससे टमाटर जल्दी से गलेगा। हमारा टमाटर पूरी तरह से गल जाएगा तब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे टमाटर हल्का सा गलना शुरू हो गया। अब हम इसमें हल्दी का पाउडर डालेंगे करीब आधा चम्मच। हल्दी पाउडर डालने के बाद हम इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1 या 2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसमें मेरा धनिया पाउडर भी मिक्स है, इसलिए हम अलग से धनिया पाउडर नहीं डाल रहे हैं। अगर आपके मसाले में धनिया पाउडर ना हो तो आप अलग से धनिया पाउडर डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और मसाले को पकने के लिए करीब 2 से 3 चम्मच पानी डालकर मसाले को हल्की आँच में भूनेंगे। हमें कभी भी मसाला तेज़ आँच में नहीं भूनना चाहिए, क्योंकि जब मसाले हम तेज़ आँच में भूनते हैं तो मसाले का नीचे जलने की वजह से मसाले का महक नहीं रह जाता है और मसाला सब्ज़ी हमारी अजीब सी स्मेल देने लगती है। जो मसाले की महक आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है। अब इसमें मसाले भुनने के बाद भुना हुआ आलू और शिमला मिर्च को डालेंगे और इसे हल्का सा रोस्ट करेंगे मसाले के साथ। जब मसाला आलू और शिमला मिर्च में मिल जाएगा तब हम इसमें अपने आवश्यकता अनुसार पानी डालेंगे। मैं इसमें करीब 2 गिलास पानी डालूंगी छोटे गिलास से, क्योंकि मैं ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। अब इसमें हम अपने स्वादानुसार नमक डालेंगे और इसे ढककर करीब 10 मिनट पकाएंगे मीडियम आंच पे। हल्के
10 मिनट बाद आप देखेंगे मेरी सब्ज़ी पूरी तरह से पक चुकी है। अब हम इसे गैस से उतार कर एक प्लेट में निकाल कर सर्व कर सकते हैं। अब मैं इससे सब्ज़ी को निकाल कर प्लेट में निकालूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।